Hello learners, myself Dr. Rajesh Matpal from Department of Physics, Uttarakhand Open University. Today we are going to discuss the third lecture of thermodynamics. Today we will discuss first about internal energy and then about first law of thermodynamics. So first of all, we are going to discuss about internal energy. Internal energy. जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, इंटरनल मींस इंटरनल, अगर हम किसी सिस्टम की इंटरनल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसकी इनहेरेंट जो है इंटरनल प्रॉपर्टी के अंदर जो एनर्जी रहती है उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। जैसे आपको इंटरनल एनर्जी को आप डिफाइन करते हैं यू से, ये बेसिकली दो पार्ट में होती है, एक आपकी काइनेटिक एनर्जी और एक होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो उसे डिफाइन हम करते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ IKT, दैट इज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। जो मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से होगी उसे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, दैट इज UK। और मॉलिक्यूल के या एटम के या गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होगी उसे हम बोलेंगे इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज UP। मीन्स अगर हम किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे कोई गैस ले ली, इसके अंदर किसी सिस्टम में हमने इस तरीके से गैस को रख दिया, तो हम कह रहे हैं कि इस सिस्टम के अंदर जो गैस है, सपोज मैं बाहर से कोई हीट की सप्लाई अभी नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, आपके पास दो टाइप के एनर्जीज अवेलेबल रहेंगी। गैस के मॉलिक्यूल एक तो मोशन कर रहे होंगे, उसकी वजह से इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा उनकी कन्फ्यूग्रेशन की वजह से, उनकी पोजिशन की वजह से एक एनर्जी होगी, दैट इज इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का जो सम होता है, सम ऑफ दीज टू एनर्जीज इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, दैट इज यू इज इक्वल टू UK प्लस UP। द सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। सो दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। Two things are very important about internal energy when we are discussing internal energy, and in future when we will discuss some other topic in thermodynamics, then two concepts are very important in internal energy. The first concept is internal energy is function of state. This is most important property of internal energy, that U is function of state. State means, in last lecture we discussed about state. State means liquid state, gaseous state, like water can be in liquid state, can be in gaseous state in the form of vapor, and when it is in the form of ice, that is solid state. तो state क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि तीन thermodynamic coordinate होते हैं हमारे, pressure, volume और temperature। अगर इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स को हम चेंज करते हैं किसी सिस्टम की या किसी सब्सटेंस के, उसकी स्टेट में चेंज होता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ स्टेट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे पास पीवी डायग्राम है, उसमें अगर मैं यहां ए से स्टार्ट करता हूं, किसी पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं और हम बी पे चले जाते हैं, तो ए टू बी अगर हम जा रहे हैं तो हम तो बोलते हैं कि हमारी स्टेट जो है चेंज हो रही है, ठीक है। अगर हम ए टू बी जाते हैं तो हम बोल रहे हैं कि हमारी स्टेट चेंज हो रही है। ए पे जो इंटरनल एनर्जी होगी दैट इज यू ए, एंड हेयर इंटरनल एनर्जी इज UB। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज DU इज इक्वल टू UB माइनस UA। अब यहां ए से बी जाने के मेरे तरीके क्या हैं? मैं चाहूं तो जो मैंने पाथ बना रखा है मैं इससे ए से बी चला जाऊं, मैं चाहूं तो एक दूसरा इसके क्लोज में पाथ बना दूं, इसको हम यहां से यहां चले जाएं, किसी भी पाथ से हम यहां पे चले जाएं ए से बी, चाहे हम इसको पाथ वन कह दें, टू बोल दें या फिर थ्री बोल दें। तो ए टू बी अगर हम जा रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी में चेंज इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने किस पाथ को चूज किया हुआ है, सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी पोजिशन जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां इंटरनल एनर्जी क्या थी और फाइनल पॉइंट पर आपकी इंटरनल एनर्जी क्या है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे ही हम बोल देते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज DU इज इक्वल टू UB माइनस UA। इसीलिए हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ स्टेट, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इनिशियली कहां पे थे और फाइनल आप कहां पे हैं। तो सिंपली अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा DU इज इक्वल टू
uf minus ui. This is property number one, that internal energy is a function of a state. Then if we have some initial state I and some final state f, then change in internal energy is defined as du is equal to uf minus ui. अब सपोज कोई साइक्लिक प्रोसेस होती, साइक्लिक प्रोसेस मींस मैं ए से बी चला जाता किसी पाथ को फॉलो करके और बी से वापस हम ए पे आ जाते, ये एक साइक्लिक प्रोसेस का एग्जांपल हो गया। ए से हम बी चले गए, बी से वापस ए पे आ गए। तो सपोज यहां से यहां जाने में हमारी जो इंटरनल एनर्जी चेंज है, अब आप देखेंगे क्या, मैंने बोला स्टेट की बात हम कर रहे हैं, आपने स्टार्ट कहां से किया, ए से, गए कहां आप, बी, बट फाइनली आप लौट के कहां पे आ गए, ए। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं कि अगर हम यहां से इधर जा रहे हैं और वापस उसी जगह पे आ जाते हैं जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो। डिस्टेंस तो सपोज मैं 10 इधर गया और 10 में वापस आ गया, तो डिस्टेंस तो 20 हो जाएगी, बट डिस्प्लेसमेंट एज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा। उसी तरीके से यहां पे आप ए से स्टार्ट करते हैं और बी जाते हैं, बी से वापस ए पे आ जाते हैं, तो आपकी क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है मैंने अभी बताई uf माइनस ui है, तो आप यहां लिख सकते हैं कि uf आपका, देखो फाइनल पॉइंट कौन है, ए, इनिशियल पॉइंट भी कौन है, ए, स्टार्ट कहां से किया, ए से, और लास्ट में आप कहां पे आ गए, ए पे। तो इसीलिए हम इसको डिफाइन करेंगे ua माइनस ua दैट इज जीरो। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आप जब अपने नोट्स लिखे तो नोट्स लिखते वक्त आप पहले तो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, इट इज सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर आप डिफाइन करेंगे कि आपके पास फंक्शन ऑफ स्टेट होता है, उसमें आप एक इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ करके उसे एक्सप्लेन कर देंगे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आप चाहे 1, 2, 3 पाथ ले, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी यू बी माइनस यू ए, सिंपली इट इज डिफाइंड एज यू एफ माइनस यू आई। फिर आप उसी में एक वहीं पर आपका एक नोट डाल करके या वहां पर एक एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, इफ देर इज अ साइक्लिक प्रोसेस, अगर हमारे पास कोई साइक्लिक प्रोसेस है, मैं इनको पीवी डायग्राम बोल रहा था, इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम कर दीजिए आप, कोई साइक्लिक प्रोसेस होती है, हम ए से बी जाते हैं वापस बी से ए आ जाते हैं, तो उस समय हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है इंटरनल एनर्जी को लेकर के। एक दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आपको याद रखना है और आगे बुक में आपको काफी हेल्प करेगा पढ़ने में, वो होता है दूसरा है कि इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब इसको ध्यान रखिए कि इंटरनल एनर्जी फंक्शन होती है टेम्परेचर का, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बोला यू फंक्शन है आपका किसका, टेम्परेचर का। तो जैसे आपको लास्ट लेक्चर में हमने आइसोथर्मल प्रोसेस को डिस्कस किया, आप समझिए थोड़ा सा, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। तो आप ये देखिए कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर जिसमें कॉन्स्टेंट रहता है, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इसको सेकंड पॉइंट में लिख लीजिए कि यू इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी आपकी चेंज होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल एनर्जी। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करने के हमारे दो तरीके होते हैं, दो स्टेटमेंट है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम दो पार्ट में इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। आप नोट्स इस तरीके से ना बनाएं, आप प्रॉपर लिखें, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उससे आप नोट्स बनाएं, यहां समझिए। देखिए पहला पार्ट क्या होता है, वर्क अगर आप करेंगे तो वर्क से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। दूसरा होता है हीट से वर्क का प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर यह वर्क डन कर रहा हूं, तो आप अगर घर पे प्रैक्टिकल खुद से करके देखें तो अगर आप किस तरीके से हाथों को रब करते हैं तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। तो मींस क्या होता है कि अगर हम वर्क डन करते हैं तो वर्क डन से हीट प्रोड्यूस होती है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, दैट इज डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। सपोज आप डब्ल्यू अमाउंट वर्क कर रहे हैं तो आपकी हीट का जो प्रोडक्शन होगा वो क्यू प्रोडक्शन होगा, डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू क्यू। ये प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है। तो प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए एक हम लोग इक्विवेलेंट कांस्टेंट लेके आते हैं, उसको बोलते हैं W इज इक्वल टू जे क्यू। जे इज जूल इक्विवेलेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है जे 4.2 कैलोरी, ठीक है। आप इस तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं, W इज इक्वल टू आपने बोला जे क्यू हो गया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया।
कि अगर आप वर्क करेंगे मैकेनिकल वर्क, अगर इफ यू परफॉर्म मैकेनिकल वर्क देन हीट इज प्रोड्यूस, द मैकेनिकल वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस, डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, एंड फॉर इक्विवेलेंस ऑफ दिस वी यूज जे एज अ इक्विवेलेंट कॉन्स्टेंट, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू जे क्यू. सपोज वी हैव टू पैरामीटर्स, वन इज ए एंड वन इज बी. इफ ए इज 10 एंड बी इज 5, दिस इज 20, दिस इज 10, and 30 suppose is 15. So what we are seeing here that A is directly proportional to B, but A is not equal to B. If we want to equate these two, we have to multiply B by 2, then A is equal to 2B. So जैसे कि हमने इन रिलेशन को इक्वेट करने के लिए 2 का यूज किया हुआ है, उसी तरीके से W और Q में रिलेशन जो है उसको इक्वेट करने के लिए हमने J का यूज किया, इसको जूल इक्विवेलेंट बोला जाता है. ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया. सेकेंड स्टेटमेंट होता है कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं dQ, सपोज मेरे पास कोई सिस्टम है, मैं उसे यहाँ पे हीट सप्लाई करता हूँ, सपोज dQ हीट सप्लाई करता हूँ, तो dQ हीट क्या करती है, एक पार्ट इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो वर्क डन करने में लगता है. ठीक है, तो dQ इज इक्वल टू dU प्लस dW. सो द स्टेटमेंट इज Amount of heat supplied is equal to change in internal energy plus work done. और आपको previous class में मैंने पढ़ाया हुआ था, जो बच्चे नहीं देख पाए उधर देखें, work done क्या होता है, force into displacement, FdX. तो suppose आप यहाँ देखिए कि ये जो मैंने इसको displace करवाया है, कितने से displace करवाया है, suppose ये dx है, तो work done होगा force into displacement. एरिया से आप डिवाइड कर लीजिए, ये जो होता है इसका एरिया ए लेते हैं हम लोग पिस्टन का, और यहां भी ए से मल्टीप्लाई करिए, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है आपका प्रेशर, और एरिया इनटू डीएक्स इसको हम बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम. तो डीडब्ल्यू को मैं डिफाइन कर सकता हूं पीडीवी, देन डीक्यू इज इक्वल टू डीयू प्लस डीडब्ल्यू जो आपने लिखा था उसको हम लिख सकते हैं पीडीवी. तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया. इसमें एक बात का ध्यान रखा जाता है कि जैसे आप इस स्टेटमेंट को देखें तो आपको समझ आएगा कि हम जब वर्क डन की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल तो वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो वर्क जनरली हम लोग जूल में डिफाइन करते हैं, हीट को हम लोग कैलोरी में डिफाइन करते हैं. तो हमें यहाँ पे देखना यह होता है कि जब भी हम इस इक्वेशन को डिफाइन कर रहे हैं, या तो हम सारे के सारे टर्म्स को जूल में डिफाइन कर दें, या सारे के सारे टर्म्स को कैलोरी में डिफाइन कर दें. यानी कि अगर कैलोरी में दिया हुआ है तो पूरी इक्वेशन को कैलोरी में कन्वर्ट कर दें, या पूरी की पूरी इक्वेशन को आप लोग जूल में कन्वर्ट कर दें. तो इस चीज का आपको ध्यान देना होता है. तो आप इस तरीके से देखिए इसको, ये आपका स्टेटमेंट हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का. अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जैसे थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और एक्सटेंड कर दें, उस पर बेस्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा और कुछ चीजें एड ऑन करके क्वेश्चन को हम कैसे पूछ सकते हैं. देखिए क्वेश्चन को पूछने का तरीका इसमें एक और है कि आ जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझाइए, तो आपने ये डिफाइन कर दिया. ठीक है, इसके बाद बोलेगा कि फॉर डिफरेंट सिस्टम के लिए आप थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करिए. तो देखिए डिफरेंट सिस्टम या डिफरेंट प्रोसेस की बात करेगा. तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था, हमारे पास कई प्रोसेस हैं, तो उन प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है उसको मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, फिर हमारा वीडियो लेक्चर एंड हो जाएगा. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसी में आइसोथर्मल प्रोसेस की. अब आप ये देखिए जो फॉर्मूला है ये किस तरीके से अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग हो जाएगा. पहला आप देखिए आइसोथर्मल में एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डिस्कस इट फॉर द आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेसेस. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वी आर टेकिंग आइसोथर्मल प्रोसेस. तो आइसोथर्मल में क्या होगा आपका टी, टेम्परेचर क्या होता है बोला मैंने कांस्टेंट. तो आप बोलेंगे सर अभी आपने पढ़ाया था यू इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो भाई अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यू भी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट, तो डी यू कितना हो जाएगा जीरो. तो आपका जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू है वो हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू मैंने आपको बताया था पी डी. तो अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं तो उसके लिए आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हो जाता है. ठीक है, दूसरी हम बात कर लेते हैं यहीं पे सपोज आइसोकोरिक की बात कर लेते हैं. आइसोकोरिक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा. तो देखिए यहाँ पे आप जब स्टेट इसको डिफाइन करते हैं, देखिए डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू को क्या बताया मैंने अभी पी डी भी लिख सकते हैं आप,
v कांस्टेंट है तो dv कितना हो जाएगा, जीरो। तो dq किसके इक्वल हो गया आपका, du के। इस तरीके से आपको इक्वेशंस को लिखना होता है अलग अलग प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात कर लें एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो एडियाबेटिक में क्या होता है, एडियाबेटिक की बात हम करते हैं, ठीक है। एडियाबेटिक के अंदर ना सिस्टम हीट लेता है, इन करती है ना आउट जाती है, तो उसमें आपका जो अमाउंट ऑफ हीट होता है वो एक्सचेंज नहीं होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। तो dq इज इक्वल टू जीरो, नाइदर हीट इज टेकन बाय द सिस्टम नॉर रिलीज बाय द सिस्टम, देन चेंज इन हीट इज जीरो, दैट इज dq इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी हैव द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज dq इज इक्वल टू du प्लस dw। वी विल पुट हियर जीरो इज इक्वल टू du प्लस dw, देन du प्लस dw इज इक्वल टू जीरो। This is first law of thermodynamics for adiabatic system. तो हमने इस तरीके से कुछ systems को discuss कर लिया जिनके लिए ये सारी चीजें थी। तो आज के lecture में internal energy, फिर हमने discuss किया first law of thermodynamics को, और फिर various system के लिए first law of thermodynamics को कैसे हम लिख सकते हैं वो discuss किया। Thank you.